मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे बायो का चैप्टर नंबर 3 है, पोर्शन बायो का, पर बुक का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चैप्टर 8 ध्यान से याद रखना, ये समझना कि चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 8 है बुक में से, और बायोलॉजी का पोर्शन जो सिलेबस है उसका 3rd चैप्टर। ठीक है, क्लास 8 का बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या सिंपल सा, देखो जो तुम 8 में पढ़ रहे हो वही चीज 9th में पढ़ना है तुमको डिटेल में। सेल स्ट्रक्चर भी 2nd चैप्टर में 9th में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें क्या शॉर्ट शॉर्ट टर्म दिया हुआ है और बस बेसिक चीजें दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स वगैरह छोटा छोटा बताया है, सेल की डिस्कवरी के बारे में कम बताया है, माइक्रोस्कोप के बारे में कम बताया है, और पर 9th में ये सब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, कहानी की तरफ थोड़ा सुनना और देखो समझने की कोशिश करो, याद रखना कुछ पॉइंट्स कि डिस्कवरी ऑफ द सेल पहले पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, खोज कौन किया, तो एक रॉबर्ट हुक है जो जिन्होंने खोज किया। कैसे खोज किया, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक बार्क, बार्क होता है पेड़ का आउटर जो स्टेम होता है, देखना कि कवर जाता है छत्ते की तरह, वो होता है बार्क। देखे भी हो तुम लोग, या बहुत सारा प्लांट में पतला पतला स्किन टाइप का निकलता है। अब था क्या कि जब हायर क्लास में जाओगे, 9th में जाओगे ना, उसमें समझ में आएगा कॉर्क है क्या, कॉर्क, कैम्बियम। ठीक है, सारा चीज तुमको पिथ, ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा 9th में अच्छे से डिटेल में, टिश्यू चैप्टर में। तो कॉर्क का एक स्लाइस लेता है, एक पार्ट है। ठीक है, बार्क का एक पार्ट लेते हैं, उसमें कॉर्क रहेगा। ठीक है ना, प्लांट के। ठीक है, उसमें से लेकर के वो अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप जो था, वो अपना खुद वो बनाए थे। अब देखो यहाँ पर माइक्रोस्कोप वो खुद बनाए हैं, तो जैसा भी बना उसके अंदर वो देखते हैं कि बहुत सारा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा बॉक्स था, तो वो बॉक्स का जो अपीयरेंस था हेक्सागोनल, यहाँ पे बनाए ये फिगर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। कैसा था, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब था, हेक्सा मतलब सिक्स साइड का कोई फिगर। ठीक है, तो ये सिक्स साइड का फिगर जिसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, वो उस स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट था वो बॉक्सेस, और वो खाली था। बॉक्स कैसा था, खाली था, उसमें कुछ नहीं था, वो खाली है, वैसा ही खाली था। और यही सब बॉक्सेस का नाम वो क्या दिए, सेल दिए। क्या दिए हैं, सेल दिए हैं नाम। ठीक है, अब एक चीज देखो क्या होता है कि जितना भी स्ट्रक्चर था वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, और वो बारिश के समय, बारिश हो रही थी वैसा कुछ, ठीक है ना, उसके समय वो ये सब सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। अब क्या था, ये बॉक्स एम्प्टी दिखा। एम्प्टी दिखने का मतलब क्या है कि वो सेल क्या था, दीज आर डेड सेल्स। खाली दिखने का मतलब क्या, वो डेड सेल्स थे। ठीक है ना, यानी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं था। देखो न्यूक्लियस कैसा होता है, इस तरीके का सेल रहता, उसके बीच में डॉट डॉट स्ट्रक्चर होता, जैसे कि जब पढ़ोगे बहुत सारे बुक में दिया रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, पील कर रहे हैं, मतलब कि अनियन का देगा सेल, जैसे 9th में दिया हुआ है, तो ब्रिक्स जैसे दीवार रहता है ना, इस तरीके से देखो दीवार ऐसे रहता है, ईंट में ऐसे बना हुआ, उसमें इस तरीके से फिगर बना रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जॉइंट में, ये क्या है, सेल है। सेल क्या बना रहा है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब चीजें। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये दो फिगर याद रखना। अब देखो एक चीज यहां पर बता रहे हैं, ठीक है, कि सेल का अगर हम बात करते हैं तो सेल को क्या कहा गया, यहां पर ध्यान से ये पॉइंट को लिख लेना। ठीक है, सेल इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चीज बोला गया सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल क्या है, एक बेसिक चीज है। ठीक है, जिससे हमारा बॉडी पूरा बना हुआ है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब क्या है, आफ्टर द इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप विद द हाई मैग्नीफाइंग मैग्निफिकेशन द स्टडी ऑफ सेल इलेबोरेटेड, दे यूज स्टेन डाइज टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। अब देखो एक चीज क्या है कि जो हम लोग जितना चीज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जितने चीज के बारे में जान रहे डिटेल स्ट्रक्चर में, वो सारा जो है ना क्रेडिट जाता है माइक्रोस्कोप को। अगर माइक्रोस्कोप अगर बेटर नहीं बनता जाता ना, तो हम लोग कुछ देख ही नहीं पाते, डिटेल स्टडी किसी चीज का होता ही नहीं। तो ये सारा जो है क्रेडिट जाता है माइक्रोस्कोप का। 9th में आओगे पढ़ोगे, उसमें
एट में नहीं पढ़ना इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा नॉल के बारे में, अर्नस्ट हेकल है, बहुत सारा साइंटिस्ट जो आया उसमें, एवनोस्की है और एक और साइंटिस्ट का नाम तो बताएंगे आगे में, तो वो सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसमें तीन तीन चार चार लाइन लिखना पड़ेगा, वो इतने मैग्निफिकेशन के, 25,000 मैग्निफिकेशन, 50,000 मैग्निफिकेशन, 200,000 मैग्निफिकेशन, मतलब एक चीज को हम उतना बड़ा करके देख सकते हैं, अगर इतना छोटा उसका 150 गुना करके देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में कितना बड़ा होगा सोच लो, पूरा डिटेल हम पढ़ सकेंगे। तो मैग्निफिकेशन के कारण ही हम लोग छोट, जो हम लोग को खुले आंख से ऐसे नहीं दिख रहा अभी, जो नॉर्मल बिना एडेड आई, बिना एडेड मतलब ना चश्मा लगाया है, ना मैग्नीफाइंग ग्लास है, ना कुछ भी, तो नहीं दिख रहा, तो उसका मैग्निफिकेशन पावर बढ़ा करके ही हम किसी चीज के बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये सारा क्रेडिट जाता है माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप को और हाई मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब उसका देखने का जो क्वालिटी होगा वो और बढ़ाया गया कि और जूम करके देख सकते हैं, यानी कि और छोटा से छोटा पार्ट हम देख सकते हैं। कैमरे में देखते हो ना कि जितना जूम करते हो उतना ज्यादा वो नजदीक का, दूर का चीज नजदीक आता जाता है। जब हम लोग कैमरे में जूम करते हैं दूर का चीज नजदीक आता है, मतलब क्या, बहुत दूर है, छोटा है और हम उसको बड़ा करके देख रहे हैं, वही मैग्निफिकेशन है। तो उसी से हम लोग स्टडी को और ज्यादा कर पाए। दूसरा चीज क्या किया साइंटिस्ट ने लोगों ने, कि डाइज का यूज किया। डाइज मतलब स्टेन कलर, कोई भी कलर का यूज करके कलर्ड पार्ट को डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ने की कोशिश किया, ठीक है, जिसमें कुछ अलग अलग मान लो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसके कारण, ठीक है। अब यहां पर था, ये बताया था न्यूक्लियस, जिसमें डॉट डॉट बताया था, आगे तो पढ़ना ही है थोड़ा सा। तो न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखने के, देखो रॉबर्ट हुक है सेल का, रॉबर्ट ब्राउन एन लगा लास्ट में, यानी कि न्यूक्लियस, याद रखना एन फॉर न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि रॉबर्ट रॉबर्ट दोनों का नाम है, कंफ्यूजन होगा, तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन से एन फॉर न्यूक्लियस, याद रखने का तरीका, ठीक है। अब आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे क्या क्या, कि लिविंग सेल सेल से बना हुआ है, प्लांट के साथ क्या होता है, सबसे छोटा सेल क्या है, इस तरह का बहुत सारा थ्योरी दिया है दो साइंटिस्ट ने मिलकर। ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, जर्मन साइंटिस्ट हैं, एक है बोटनिस्ट और एक है जूलॉजिस्ट। बोटनिस्ट प्लांट का स्टडी करते हैं और जूलॉजिस्ट एनिमल पे स्टडी करते हैं। तो दोनों ने मिलकर दिया है सेल थ्योरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले के समय में, जब पढ़ोगे डिटेल में, तो पहले के समय में क्या था, सिर्फ प्लांट और एनिमल में सारा चीज बटा हुआ था। तो प्लांट में क्या होता है और एनिमल में क्या होता है, तो पहले मैथियास स्क्लेडन क्या किया, प्लांट्स में दिया अपना थ्योरी कि वो एक सेल से बना हुआ है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है। फिर बहुत दिन बाद, कुछ दिन बाद, ये थियोडोर क्वान क्या किया, एनिमल में दिया कि अरे एनिमल में भी ऐसा ही होता है, और बोला कि एनिमल और प्लांट दोनों में ये चीज होता है। ये दोनों मिलकर के कुछ अपना थ्योरी दिया, क्या क्या दिया वो आगे हम पढ़ते हैं, लिखाते हैं, ठीक है ना। तो सेल थ्योरी कौन कौन प्रपोज किया है, या क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, या हु गेव सेल थ्योरी, कौन सेल थ्योरी दिया, तो मैथियास क्लेडन, थियोडोर क्वान। तो इसको तुम स्क्लेडन भी सिर्फ लिख सकते हो और क्वान भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये इसका नेम आगे का लिखो, क्योंकि हर जगह बुक में मैक्सिमम यही दोनों दिया रहता है, स्क्लेडन क्वान गेव द सेल थ्योरी, डिटेल कितना भी चल जाए तो नाम पूरा याद करने की जरूरत नहीं, बस क्वान और स्क्लेडन याद रखना, कौन से प्लांट में किया, कौन से एनिमल में किया, ये चीज, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इसका मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, देखिए, ऑल लिविंग्स आर मेड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल, मतलब जितना भी बॉडी बनाया ह्यूमन लिविंग थिंग्स, मान लो ये लिविंग थिंग्स है, ये वॉल है, क्या है, ये दीवार है और बना हुआ है ईट से मिलकर, ठीक है। तो इसको हम रिजेंबल करेंगे, जो वॉल है हमारा क्या से रिजेंबल करेगा, बॉडी से, मान लेते हैं ये दीवार पूरा हमारा बॉडी है और जो ईटा है, ईट है, वो हमारा सेल है, यानी कि सेल से मिलकर बॉडी बना है, जैसे ईटा से मिलकर वॉल दीवार बनता है, वैसे ही सेल से मिलकर बॉडी बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कि ऑल सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बोल रहा, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन भी सेम है, पर साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिर से स्ट्रक्चर अलग। इसका मतलब क्या है कि देखो, सभी सेल का अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग काम है, आगे दो पॉइंट उसे से क्लियर होगा। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है सब सेल का, न्यूक्लियस होगा, उसमें सेल वॉल है तो सेल वॉल होगा सभी जगह के सेल में, ठीक है, वैसा है। न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम ओल्ड सेल्स ड्यू टू डिविजन, अब क्या है कि जो बॉडी है बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो सेल था ना, तो नया सेल जो बनेगा इसी सेल को डिवाइड करके,
क्योंकि सेल क्या करता है, डिवाइड होता रहता है और नया सेल बनाता रहता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नया सेल कहां से बनता है, पुराने सेल से ही बनता है। अगला पॉइंट, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स वर्किंग ऑफ सेल। तो क्या फंक्शन जो किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, कि सेल कैसा काम करता है, वर्किंग ऑफ सेल, सेल कैसा काम करता है उसी पे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन काम करेगा। अगर मान लो सेल है, मान लो कि इनगल्फिंग करने का काम करता है, या फिर मान लो कि इंडोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, बहुत सारा है टर्म, तो किसी चीज को खा जाता है, उस तरह का काम जो है सारा सेल के वर्किंग पे ही हमारा फंक्शन काम करेगा। फिर क्या है, अ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का, सेल कैसे बना हुआ है, किस तरीके से सेल है, एक सेल है, दो तीन सेल मिलकर बना हुआ है या करोड़ों सेल मिलकर बना हुआ है, तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन से ही हम ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पता करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब बना हुआ, ठीक है। अब एक आगे पॉइंट है, ठीक है ना, वो देखते हैं। ठीक है, देखो एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है जो बुक में नहीं दिया हुआ, बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ये अलग से है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो हम यहाँ इंपॉर्टेंट बताया ना वही इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ बर्गो, इन्होंने एक प्रपोज किया थ्योरी और एक क्या बोलते हैं एक स्लैंग टाइप का एक वर्ड यूज किया, जिसमें उन्होंने लिखा था अपना कोटेशन यूज किया कि ओमनी सेलुले ई सेलुला। ठीक है, क्या क्या है, ओमनी सेलुले ई सेलुला, इसका मतलब ये दिए ना, ये अपना एक थ्योरी दिए कि नया सेल जो बन रहा है, देखो न्यू सेल फॉर्म, नया सेल जो बन रहा है कहां से बन रहा है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि जो पहले से सेल है ना उसी से ही नया सेल बन रहा है, कोई बाहर से आ नहीं रहा है बॉडी में, नया सेल डाल नहीं रहे अंदर से, सेल बाहर से अंदर सेल डाल नहीं रहे हमारे बॉडी में, नया सेल बनता रहता है, वो पुराना सेल ही क्या करता है, डिवाइड होता है। जैसे इस तरीके से मान लो बताते हैं, एक सेल है, ये बी से डिवाइड करके ये दो सेल में बन जाए, तो नया सेल कहां से बना, इसी सेल से बना ना, तो पुराने सेल से ही जो सेल पहले से प्रेजेंट है वही सेल से नया सेल बनता है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं,